आपको दिखाते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ आज होगा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में सुबह करीब 11 बजे यहां पहुंचेंगी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री स्टेट वाटर ग्रिड पोर्टल का भी लोकार्पण किया जाएगा। चौथे चरण में 33 जिलों की सभी 295 पंचायत समितियों के 4000 से ज्यादा गांवों का चयन किया गया है। तो जल स्वावलंबन अभियान जिसका चौथा चरण का शुरुआत आज होगी, शुभारंभ आज होगा, लेकिन इससे पहले अगर प्रथम चरण की बात करें तो 27 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा पानी के ढांचों का निर्माण, 12,000 गांव में पानी के ढांचों का निर्माण और जियो टैगिंग, इसके साथ ही मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग की भी यहां पर रखी गई। इसके साथ ही बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजना और गांव को जल आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाना इसमें उद्देश्य रहा। तो पहला चरण 2016 27 जनवरी, तो दूसरे चरण की बात करें 27 जनवरी 2016 से 30 जून तक ये चला और अभियान के पहले चरण में जहां 1,270 करोड़ रुपए की लागत से करीब 94,000 निर्माण कार्य किए गए, तो प्रदेश की 295 पंचायत समितियों का भी चयन इसमें किया गया। तो 9 दिसंबर 2016 को दूसरा चरण जिसकी शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ और वहीं तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में भी कई यहां पर महत्वपूर्ण कार्यों को रूपरेखा दी गई जिनमें 4,240 गांव का चयन किया गया। तो 27 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी और 4 लाख से ज्यादा पानी के ढांचों का निर्माण इस दौरान किया गया। इसके अलावा 12,000 गांव में पानी के ढांचों का निर्माण करवाया गया। जियो टैगिंग और मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग भी इसकी की गई और इसके अलावा बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजना ये भी जारी रखा गया। गांव को जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया और इसके अलावा बारिश के पानी को बहने से रोकने के भी फायदे हुए। तो सतही स्रोतों में पानी जमा हुआ और इसके अलावा भूजल का स्तर बढ़ा, मिट्टी का कटाव भी इसके जरिए रोका गया, खेती की पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और ये पहले चरण के ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश की 295 पंचायत समितियों का चयन किया गया। इसके अलावा 3,529 गांवों का चयन किया गया। इसके अलावा गांव में पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों पर फोकस किया गया और तालाब, कुंड, बावड़ियों और इसके साथ ही जो और नई तकनीक है उसके जरिए एनीकट, टाके, मेड़बंदी और जन संचरणों के निकट 26.5 लाख से ज्यादा पौधारोपण किए गए और 9 दिसंबर 2016 से ये शुरू हुआ। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, तीन चरण तो हमने देखे जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं और आज चौथे चरण की शुरुआत, फिलहाल क्या तैयारियां वहां? देखिए, यहाँ पर तैयारियां खासतौर पर हो रही है, यहाँ पर जल संसाधन महकमा और नदी बेसिन प्राधिकरण जो राज्य सरकार ने बनाया हुआ है जिसके अध्यक्ष श्री राम बेदिरे हैं, उनके अलावा तमाम जल महकमे के उच्चाधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री राजे है वो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगी। मंत्री राजेंद्र राठौर, सुरेंद्र गोयल और अन्य मंत्री, विधायकों और सांसद को भी इस कार्यक्रम में बुलाया है। तमाम लोग थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुख्यमंत्री राजे ने जो ये अभियान है इसकी पहला चरण चलाया, दूसरा, तीसरा और अब चौथा चरण, यानी कि पूरे राजस्थान के लिए आगामी दिनों में लाभकारी है। इसको लेकर एक रिसर्च भी हुआ है, सर्वे भी हुआ है जिसमें की जल का स्तर जो है वो ऊपर आया है। जब से जल स्वावलंबन अभियान शुरू हुआ है तो कई जिलों में जल का स्तर थोड़ा ऊपर आया है। जी जी ऐश्वर्य, ये भी जानना चाहेंगे, हमने एक से तीन चरणों की यहाँ पर बात की कि उस दौरान शुभारंभ हुए तो क्या कुछ काम यहाँ पर किए गए, चौथे चरण की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से खास ही रहने वाला है? ऐश्वर्य, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज चौथा चरण जिसकी शुरुआत होगी जल स्वावलंबन योजना,
सीएम रांची की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस दौरान आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि पहले दूसरे और तीसरे चरण में किस तरह से काम इस दौरान किए गए हैं। और फिलहाल